बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा अभी भी जारी है। इस हिंसा में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ढाका में मौजूद सरकारी टीवी मुख्यालय को ही आग लगा दी। मुख्यालय में खड़ी कई गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के सरकारी टीवी BTV ने प्रधानमंत्री शेख हसीना का इंटरव्यू लिया था। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी आरक्षण को खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। शेख हसीना सरकार ने हिंसा को देखते हुए देश के सभी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। छात्रों और पुलिस के बीच गुरुवार को हिंसक झड़पें हुई और AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में गुरुवार को कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब इसी हिंसा के बीच वहां से भारतीय लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश में हिंसा के चलते फंसे 310 भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक यहां दावकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए भारत पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिन 310 लोगों को बाहर निकाला गया है उनमें से 202 भारतीय हैं, 101 नेपाली और 7 लोग भूटान के हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को भारत वापस लाया गया है इनमें से ज्यादातर छात्र ही हैं। बांग्लादेश में हिंसा फैलने के बाद मेघालय सरकार और असम सरकार भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए बांग्लादेश उच्चायोग और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। अब ये हिंसा किस चीज को लेकर हो रही है वो भी जान लीजिए। दरअसल बांग्लादेश को आजादी 1971 में मिली और उसी साल से वहां पर नौकरियों में कोटा सिस्टम लागू हो गया। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30%, देश के पिछड़े जिलों के युवाओं को 10%, महिलाओं को 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और दिव्यांगों के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान था। इस तरह बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण था। साल 2018 में बांग्लादेश के युवाओं ने इस आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया और कई महीने तक चले प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश सरकार ने आरक्षण खत्म करने का ऐलान भी किया। लेकिन 5 जून को ही बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने देश में फिर से आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा। इससे छात्र नाराज हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब बढ़ते बढ़ते हिंसा में तब्दील हो गया है। लोगों का बांग्लादेश की PM शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले 17 जुलाई को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया। उन्होंने घोषणा की रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन में हुई मौतों की जांच के लिए वो एक न्यायिक जांच समिति गठित करेंगे। इस दौरान शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों से देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने छात्रों को यकीन दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। शेख हसीना ने आरक्षण विरोध प्रदर्शन में हुए जानमाल के नुकसान पर भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने छात्रों से अपील किया कि वो उपद्रवियों को स्थिति का फायदा उठाने का मौका ना दें और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हत्याएं की है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें कटघरे में लाया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों। जनवरी में हुए आम चुनाव के बाद ये पहली बार है जब देश में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले लोगों के बच्चे जो है उनमें भी शामिल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हसीना सरकार ने उन लोगों को आरक्षण दिया है जिनकी आमदनी ज्यादा है। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें हसीना का वोटर्स माना जाता है, जबकि सरकार का कहना है कि विकलांग लोगों और अल्पसंख्यक समुदाय लोगों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।